मैं अपनी यजदी रोडस्टर को सेल क्यों कर रहा हूँ इसका रीजन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस बाइक के अंदर मुझे क्या अच्छा लगा 11 महीनों में और क्या बेकार लगा वो चीज़ें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपको परफॉर्मेंस के बारे में बताता हूँ भाई की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब भाई कितनी तगड़ी परफॉर्मेंस इस बाइक की मैं आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता। लगभग 2,58,000 के आसपास ऑन रोड प्राइस है इस बाइक की। उस प्राइस ब्रैकेट में और कोई भी बाइक इस तरह की नहीं है जो इसकी पावर को बीट कर सके या फिर इसके बराबर की हो पावर के अंदर। बहुत ही ज़्यादा कमाल की बाइक। 6th गियर में है और लगभग मैं 108-110 की स्पीड में चल रहा हूँ और इंजन इतना रिलैक्स हो चुका है 110 के ऊपर। ये जो रिलैक्सेशन है ना, मतलब जितना रिलैक्स ये हो जाता है 110 की स्पीड के ऊपर, मतलब और कोई भी बाइक नहीं कर पाती है, खास तौर से क्रूजर बाइक में जो इस प्राइस ब्रैकेट में आती है। परफॉर्मेंस के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ, ये बाइक ना चाहे यामा की R5 हो, चाहे MT हो, चाहे पल्सर RS 200 हो, NS 200 हो, या फिर ड्यूक 125, ड्यूक 200, मतलब और क्लासिक 350, होंडा की CB 350 RS, किस चीज़ से भी कम नहीं है भाई। ऑलमोस्ट कुछ एक दो बाइक है जो इसके बराबर में टिक पाती है, बकायदा सारी बाइक इससे पीछे ही रहती है। मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी बाइक के साथ ड्रैग रेस करके देख रखी है इस बाइक की। काफ़ी सारी ड्रैग रेस मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड करी है इस बाइक की। तो देखो पावर के मामले में और परफॉर्मेंस के अंदर बाइक नो डाउट बहुत ही कमाल के टॉप नोच चीज़ देखने को मिल जाती है परफॉर्मेंस के अंदर। तो लेकिन अभी आगे पूरी बात सुनना भाई, 11 महीने का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऐसा क्या रीज़न है कि मुझे अपनी यजदी रोडस्टर को सेल करना पड़ रहा है और 11 महीनों में मेरा क्या एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ, क्या मुझे अच्छा लगा और क्या मुझे अच्छा नहीं लगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। चाहे वो मुझसे रिलेटेड हो या फिर चाहे वो मेरी बाइक से रिलेटेड हो, हर चीज़ को आप सभी को एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही बताना चाहता हूं कि हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर रीजन पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। अगर आप बाइक में इंटरेस्टेड हो तो आपको फिर ये वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए ताकि मैं अपना 11 महीनों का जो एक्सपीरियंस है इस बाइक के साथ, जो रिलेशन है मेरा, उस रिलेशन को आप सभी के सामने रख पाऊँ, उसके बारे में आप सभी को समझा पाऊँ। आप में से कोई इस बाइक को परचेज करना चाहता हूं तो मैं आपको प्राइस बता देता हूं। और एक चीज़ और बहुत ही गजब की है बाइक के अंदर, मैं आपको बताता हूं। देखो थोड़ा सा स्पीड गेन करते हैं। सबसे पहले अभी बाइक चल रही है लगभग 78-90 के ऊपर लेके चलते हैं, हाँ 90 के ऊपर, और अभी 6th गियर में डाल दिया बाइक, एकदम रिलैक्स है। और 90-100 की स्पीड में भी अगर आप क्रूज कर रहे हो ना, तो भाई ओवरटेक करना है ना, तो एक दो गियर डाउन करने के बाद जो रॉकेट निकलती है ना, मतलब 90-100 की स्पीड के बाद भी आप इसको बहुत ही आराम से ओवरटेक कर सकते हो किसी भी चीज़ के साथ। 100 की स्पीड पे आपकी बाइक चल रही है, अगर आपको स्मूथ ओवरटेक करना है तो एक गियर डाउन करो, और आपको एग्रेसिव ओवरटेक करना है ना भाई, एकदम से निकलना है, तो भाई दो गियर डाउन कर लो, उसके बाद जो निकलेगी ना ये बाइक, मज़ा आ जाएगा। तो परफॉर्मेंस का ही पॉइंट एक तरह से ये, परफॉर्मेंस के बारे में मैंने एक चीज़ और रिपीट कर दी आप सभी को। तो परफॉर्मेंस के अंदर तो आप नो डाउट कोई भी शिकायत आपको इस बाइक से नहीं होगी, आपका दिल बहुत खुश रहेगा बाइक की परफॉर्मेंस देखने के बाद। सेकंड चीज़ जो अपनी आती है वो है माइलेज के बारे में। तो माइलेज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं आप सभी को। अगर आप इस बाइक को क्रूज करते हो 90-95 तक, मतलब 90-95 तक, तो वहाँ पर इस बाइक की माइलेज रहती है लगभग 32-33 के आसपास, 34-35 भी दे सकती है, लेकिन 95 से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना भाई, माइलेज ड्रॉप होने लग जाती है वहाँ पर। और ऑलमोस्ट हर चीज़ हर बाइक के साथ यही होता है कि एक क्रूजिंग स्पीड होती है बेस्ट, उसके बाद माइलेज ड्रॉप ही होती है। तो अगर आप 100 या 100 से ऊपर चला रहे हो, तो फिर वहाँ पे 27-28 के माइलेज भाई ये बाइक निकाल के देगी। ऑनेस्टली मैं आपसे कुछ छुपाने वाला नहीं हूँ उस बाइक को लेकर। वैसे भी मैंने ना कभी अपने चैनल के ऊपर कभी आपको छुपा के कोई चीज़ नहीं बताई, आपने हमेशा नोटिस किया होगा जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, मैंने खास तौर से अपनी लाइफ के बारे में कभी आपसे कुछ नहीं छुपाया है। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसकी वजह से मुझे यजदी सेल करनी पड़ रही है। बकायदा मेरा इस बाइक से बहुत ज़्यादा लगाव है। रीज़न ये है कि मैंने ये बाइक ली थी अपने पापा के लिए गिफ्ट करने के लिए, उनको पुराने टाइम में यजदी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो उस वजह से मैंने सोचा कि एक सरप्राइज़ देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो यजदी मैंने सोचा जब लॉन्च हुई थी, लॉन्च होती है, मैंने इस बाइक को लिया था और पापा को दिया था, बट उनको अच्छा भी लगा, खुश भी हुए, लेकिन क्या चलाते ही नहीं यार बाइक को, और ये लगभग 8-9 महीने से खड़ी हुई है बाइक उनके वहाँ पे, तो कभी कभी मेरे पास भी आ जाती है बाइक। तो लोग ओवरऑल ये बाइक 2,800 किलोमीटर के आसपास चली है, 2,800 किलोमीटर बाइक चली है, और इसका रीज़न यही है कि यार पापा के पास खड़ी रही थी बाइक, तो मैं ज़्यादा चला नहीं पाया। बाकी बाइक मेरी काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है, तो बाइक ओवरऑल बिल्कुल नई कंडीशन में है, शोरूम कंडीशन बाइक है, 11 महीने बेशक हो गए हो, तो इस वजह से ये बाइक मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब भी है, बट फिर भी सेल करना पड़ रहा है। तो यार कोई बड़ा रीज़न ही होगा ना, आपको सब कुछ बताऊँगा। तो इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए कि और क्या अच्छा है बाइक के अंदर, स्टेबिलिटी, मैं आपको बताना चाहूँगा 100 की स्पीड के ऊपर या 100-110 के ऊपर भी बाइक इतनी ज़्यादा स्टेबल रहती है, रोड के ऊपर चिपक के चलती है भाई, बिल्कुल भी
चाहे साइड में से कोई ट्रक निकल जाए, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी अपनी लेन चेंज नहीं करती है बाइक। जैसे अभी स्ट्रेट चल रही है ना, तो स्ट्रेट ही चलती रहेगी चाहे कोई ट्रक निकल जाए बड़ा सा। लेकिन ऐसा होता है ना कि बाइक कोई बड़ा ट्रक स्पीड में निकल जाता है तो हल्की सी ऐसे वोबल होती है, मतलब हल्की सी साइड में आ जाती है, फिर हवा का झोंका आपको फील होता है। तो वो हवा का झोंका सिर्फ आपको फील होगा अगर आप इस बाइक के ऊपर बैठे हो, बाइक को फील नहीं होगा भाई, ऐसे ही चलती रहेगी मस्त। और एक नेक्स्ट पॉइंट है, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, मतलब रोड के ऊपर चलती हुई बाइक ना बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है यार। इसके कुछ फोटोज है, मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, सॉरी दिखा दूंगा आपको, मतलब क्या लुक्स देती है ना। कहीं भी आप लेके जाते हो हर एक बंदा पूछता है भाई ये यसदी बाइक है, मैंने कहा हाँ, और कब आई इंडिया में दोबारा से, मैंने कहा अभी आई है थोड़ा टाइम हुआ, यार ओसम, मतलब बढ़िया। जो कमेंट्स आते हैं ना भाई, बहुत ही गजब के कमेंट आते हैं। आपने देखा होगा मेरे पास एक 12 साल पुरानी भी CBR है और आज भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में, बिल्कुल नई जैसी लगती है, नई नहीं है बट नई जैसी लगती है। 12 सालों से उसको इतना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है उस बाइक को। तो बाइक ओवरऑल मेरे पास जो भी रहती है भाई, बहुत ही प्यार से मेंटेन करके रखता हूँ, बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो जब मैंने बाइक ली थी और एक पल्सर N250 मैंने ली थी, और कुछ लाइफ में दो चार चीज़ें और करी थी जो कि फाइनेंशली आज के दिन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। ये उस टाइम थोड़ी बच्चों वाली बुद्धि में या फिर बिना सोचे समझे कुछ कुछ चीज़ें अपन लाइफ में कर लेते हैं। और मैं बताते थोड़ा बुरा लग रहा है, बट मैंने ना आपको कुछ टाइम पहले गिव अवे के लिए भी बोला था, कुछ हेलमेट्स मैं आपको गिव अवे करना चाहता हूँ। तो मैंने बर्थडे के ऊपर सोचा था, मेरा बर्थडे था 11 दिसंबर को, उस दिन मैं गिव अवे करने वाला था, बट मैंने अपना बर्थडे तक सेलिब्रेट नहीं किया था भाई। सीरियसली ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, ना ही आपने कोई पोस्ट देखी होगी। हाँ दोस्तों ने कुछ एक दो केक वगैरह काटे थे तो उसका फोटो मैंने आप लोगों के सामने डाल दिया था मैंने, बट मैंने अपने खुद से कोई भी सेलिब्रेशन नहीं किया था बर्थडे में। मुझे बहुत ही बुरा लगा था, मैं एक्चुअल तरीके से बताऊँ तो ये अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ भाई। यसदी रोडस्टर और पल्सर N250, मतलब मेरे पास CBR है और एक रेडर है, एक अपाची है, एक होंडा की CB50 RS है, पल्सर है, ये है, तो काफ़ी सारी बाइकें हैं, बट मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ भाई। मैं जो अफोर्ड कर पाता हूँ वो एक से दो बाइक कर सकता हूँ, करना पड़ रहा है अभी, तो उस वजह से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है लाइफ के अंदर, और कुछ भी अच्छे से नहीं चल पा रहा, दिमाग बहुत इरिटेट रहता है, बहुत फ्रस्ट्रेट रहता हूँ मैं, और ना ही काम में दिल लग पाता है यार। ये चीज़ें मैं आपको फेस के सामने नहीं बता सकता, मतलब कैमरे में सामने बोलकर नहीं बता सकता, इस वजह से मैंने GoPro लगा कर और यसदी के ऊपर बैठ के भाई चलते हुए बता रहा हूँ, क्योंकि कैमरे के सामने फेस टू फेस मैं आप सभी से ये चीज़ें शेयर नहीं कर पाऊँगा। तो फाइनेंशियली लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुकी है, तो मैंने सोचा कि यार कुछ चीज़ें निकालते हैं अपन, फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग होते हैं, फिर स्टेबल रहते हैं, कम से कम स्टेबल भी रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, और लाइफ में कुछ नया कर सकते हैं अपन। तो इस वजह से भाई दो चार ऑप्शन थे मेरे पास, कि मैंने लाइफ में जो दो चार पर्सनल चीज़ें करी थी उनको मैंने साइड से हटा दिया है, जो मैं अभी यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता कैमरे में आप सभी से, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है। उसके अलावा मैंने यसदी सेल करने के लिए सोचा है, पल्सर भाई वो भी यार बड़ा दुख हुआ है, लेकिन वो आपको दिल से बताता हूँ मैंने सेल कर दिया जस्ट पिछले महीने में, अपाची मैं सेल करने वाला हूँ। तो अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार लाइफ को थोड़ा स्टेबल रखना है, फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल होना है, उसके बाद अपन फिर से कुछ अच्छी बाइक्स अफोर्ड करेंगे। तो ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो गिव अवे मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ गिव अवे, जबकि 7-8 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये तक का खर्चा था, बट वो भी मैं बहुत ही ज़्यादा सोचा समझा बट मैं नहीं कर पाया उस चीज़ के बारे में, उसके लिए भाई आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं करूँगा ज़रूर गिव अवे, ये प्रॉमिस है आप सभी से। और मैंने 3 हेलमेट के लिए बोला था बट मैं 5 हेलमेट गिव अवे करूँगा, बट थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँ, 1-1.5 महीने का टाइम और दो भाई मुझे, उसके बाद 5 हेलमेट अपन गिव अवे ज़रूर करेंगे, और एक हेलमेट मैं इस बाइक के साथ भी देने वाला हूँ। अभी पता है मैं छोटे भाई के पास आया था, और पता है लाइफ में पहले ऐसा वो करता था, मैं उसको चीज़ें लेकर देता था खाने पीने की या फिर जो भी चीज़ें चाहिए उसको, बट अभी एकदम मैंने ऐसा हो रहा है कि भाई वो मुझे ला कर दे रहा है। मेरी अभी कुछ टाइम पहले तबीयत भी ख़राब थी, तो ये देखो ये कुछ अनार और अंगूर ये उसने मुझे ला कर दिया, मैं उसके रूम पर आया था लेने के लिए, वो यहाँ पर पढ़ता है, जयपुर में रहता है, तो उसका अलग से रूम है ताकि पढ़ने में डिस्टर्बेंस ना हो, तो मेरे पास नहीं रहता है वो, तो अभी वो मुझे ला कर देता है, 2-3 बार ला के दिया तो थोड़ा ऐसा भी लगता, अच्छा से नहीं लगता यार, तो शर्म सी भी आती है यार, छोटा भाई क्योंकि कमाता भी नहीं है वो, ये चीज़ें कर रहा है अपने लिए, बट क्या कर सकते हैं भाई, मेरी मजबूरी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको मैं लेके कैसे जाऊँ, क्योंकि ना इसको यार मैं बांध नहीं सकता ऐसे, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें बांध दूँ, क्योंकि अगर साइड में मैंने इसको इसमें बांधा ना तो हल्की फुल्की स्क्रेचेज आ जाती है रस्सियों से, तो मैं बाइक पे ऐसे कुछ बांधता तो नहीं हूँ, बट अभी मैं देखता हूँ एक ऑप्शन और हो सकता है अपने पास, कि इसको इसमें डालकर ठीक है, और इसके अंदर में बैठ जाता हूँ, एक सेकेंड जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ, और इसको यहाँ से डाला और यहाँ से इसको टाइट कर लिया, ऐसे हो जाएगा काम, जैसे अपन बैग लगाते हैं ना, तो मैं काफ़ी बार ऐसे ही बांधता हूँ चीज़ों को क्योंकि यार मैंने ना कभी अपनी किसी बाइक पर ऐसे रस्सियों से डायरेक्ट चीज़ें नहीं बांधती है, हाँ ये कि कोई कपड़ा वपड़ा होता तो कपड़ा लगा कर मैं बांध सकता था,
तो बट अभी नहीं कर सकता ना, क्योंकि अभी तो ये रस्सी बहुत टाइट है, थोड़ा स्क्रेच डाल देगी बाइक पर। तो भी बढ़िया बन गई है, थोड़ा आराम आराम से चलेंगे। नहीं, रोडस्टर में एक आपको कमी लगेगी कि इसकी ना क्लच थोड़ी टाइट है। अगर आपने क्लासिक 350 चलाई है, बुलेट 350 चलाई, तो फिर आपको नॉर्मल लगेगी क्योंकि उसी टाइप की क्लच है। तो हेडलाइट यूनिट काफी अच्छी, रात को विजिबिलिटी काफी सही आ जाती है। हाँ, जितना सेगमेंट में आती है, जैसा क्लासिक देती है, जैसे होंडा वाली CB 50 RS देती है, होंडा वाली से तो ज्यादा अच्छा है इसका जो हेडलाइट थ्रो है वो ना, लेकिन क्लासिक का ऑलमोस्ट सेम है। एक छोटी विंडशील्ड आप अपग्रेड करवा के थोड़ी बड़ी भी इसको लगवा सकते हो, बड़ी भी एसेसरी में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हेलोजन इंडिकेटर है, विजिबिलिटी इनकी भी बहुत ही बढ़िया, विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे ब्रेकिंग की बात करी जाए तो ब्रेकिंग भाई बहुत ही शानदार है, ब्रेकिंग से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मज़ा आ जाएगा ब्रेकिंग। तो ये मान लो कि टॉप नोच चीज़ की है ब्रेकिंग बाइक के अंदर। इसके अलावा लेग गार्ड में एक हल्की सी कमी मुझे लगती है बाइक के अंदर, कि जो लेग गार्ड है ना, मतलब ये इतने मजबूत नहीं है जितने क्लासिक के आते हैं, फिर होंडा वाली CB 350 RS के आते हैं। ये इसके साथ नहीं आते हैं लेग गार्ड, मैंने अलग से लगवाए थे भाई। इनके लिए मैंने लगभग 1700-1800 रुपये की प्राइस दी थी, बट मैंने ये एजेंसी से ही लगवाए थे, बाहर से लगवाता तो आई थिंक थोड़ी अच्छी क्वालिटी का आ जाते, बट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश ना, इतनी तगड़ी नहीं है। देखो हल्का हल्का हिलता भी है ये, लेकिन बस ये है कि बाहर से मुझे कोई काम नहीं करवाना था बाइक के अंदर, शोरूम से ही करवाना था जो करवाना था। इसके अलावा मैंने एक हॉर्न बाइक के अंदर लगवाया था, अभी दो हॉर्न है बाइक के अंदर, नॉर्मली इसके अंदर ये ओनली एक हॉर्न आता है, ये भी शोरूम से लगवाया था, बट साउंड काफ़ी सही आ जाती है। अब मैं आपको एक बार सुना देता हूँ, एक सेकेंड। बट जो सिंगल हॉर्न होता है ना, उसकी साउंड इतनी तगड़ी नहीं आ पाती है, तो हाईवे पर जो ट्रैक्स वगैरह होते हैं उनको हॉर्न देने में थोड़ी दिक्कत वहाँ पे आ सकती है, इस वजह से मैंने दो हॉर्न लगवाए थे, ये भी एजेंसी से लगवाया था। बाकी हॉर्न और इसके अलावा मैंने कोई भी चीज़ बाइक के अंदर एक्स्ट्रा नहीं लगवाई अभी तक। तो मैंने आपको बताया ये लेग गार्ड मुझे थोड़े कम अच्छे लगे। एक मुझे बाइक का साइड स्टैंड बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पे देखो साइड स्टैंड जैसे आप हटाते हो ना, तो ये साइलेंसर के नीचे चला जाता है, मतलब बस ये छोटा सा निशान दिखता है, यहीं से आपको इसको दबा कर साइड स्टैंड को लगाना निकालना पड़ता है, बहुत ही आराम से निकल जाता है, ऐसा नहीं कि आपको जरा सा भी फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ही स्मूथली निकल आता है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे एक बैकरेस्ट आपको देखने मिल जाता है, ये ग्रैब हैंडल्स है, ये काफ़ी सही है, यहाँ पे लुक भी अच्छी बना के रखते हैं ये, और देखने में भी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको LED टेलर देखने को मिल जाती है, हेलोजन इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, GSD का पुराना लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, विंटेज टाइप का देखने में बहुत ही क्लासी लगता है ये। लुक्स कुछ बाइक की ऐसी लुक्स तो नो डाउट बहुत ही गजब, आप कहीं भी लेके जाते हैं ना तो आपसे लोग पूछते हैं कि भाई लुक्स क्या लग रही है, मतलब GSD, और लोग फोटो भी लेते हैं काफ़ी जगह, मैंने मेरे साथ हुआ है तो इस वजह से आपको बता रहा हूँ। तो लुक्स के अंदर नो डाउट बहुत ही तगड़ी बाइक है। एक जो छोटा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे और लगा बाइक के अंदर, वो ये है कि जो इसका इग्निशन है और जो लॉक वाला सिस्टम है अलग अलग है, जैसा पुरानी क्लासिक में हुआ करता था, यहाँ से इग्निशन को ऑफ कर सकते हो, उसके अलावा लॉक करना है तो यहाँ से आपको बाइक को लॉक करना पड़ेगा, इग्निशन यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट और है बाइक के अंदर। और यहाँ पर एक चीज़ बाइक के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है, इसके अंदर आपको हैजार्ड स्विच मिलता है, यहाँ से आप हैजार्ड को ऑन कर सकते हो, मतलब कि चारों इंडिकेटर आपके ऑन हो जाएंगे यहाँ से, आप देख सकते हो। अभी अगर बाइक का ऑडोमीटर आपको चेक करवा देता हूँ यहाँ पे कितने किलोमीटर बाइक चली है, तो ये ट्रिप भी है ये, तो इसके अलावा ये ऑडोमीटर 2787 किलोमीटर बाइक अभी तक चली है, 2787, मतलब लगभग 2800 किलोमीटर पूरा नहीं हुआ है अभी तक। इसके अलावा क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको गियर इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, उसके अलावा यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिल जाता है, यहाँ पर साइड स्टैंड का इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे फ्यूल गेज, इसके अलावा यहाँ पे टैकोमीटर, RPM मीटर आपका, यहाँ पे स्पीडोमीटर है। इसके अलावा ये M से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको डिस्प्ले पे कौन सी चीज़ रखनी है, ट्रिप A, ट्रिप B, उसके अलावा ओडोमीटर, और यहाँ पे S से आप रिसेट मार सकते हो किसी भी ट्रिप को। बट ये दो स्विच इसमें कोई काम के नहीं है, ये काम आते हैं उनके अंदर जो स्क्रैम्बलर या फिर एडवेंचर मॉडल है, जिसके अंदर यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन आती है ना अलग से, तो उसके काम के आते हैं, बट असेंबली वाइज सेम है, तो इस वजह से इसमें भी ये स्विच आपको देखने को मिल जाते हैं, ये अप एंड डाउन वाले, बट इसका इस बाइक के अंदर कोई भी काम नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे लो बीम, हाई बीम और पास के लिए स्विच देखने को मिल जाते हैं, ये स्विच बहुत ही बढ़िया है यार, जिनके अंदर पास का स्विच अलग से रहता है और हेडलाइट लो बीम लो और हाई बीम के लिए अलग से स्विच होता है ना, उसमें पहले उसको लो बीम पे लेके आओ और फिर उसको पास दो, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि जैसे हाई बीम पे आपकी बाइक है, अभी हाई बीम पे है तो पास दोगे तो आपको बस डायरेक्ट ये करना है, लो बीम पे आपकी बाइक ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और हाई बीम फिर से करना है तो इसको ऊपर कर देना, तो ये हाई बीम हो गई, तो ये चीज़ काफ़ी सही लगती है मुझे। और यहाँ पे प्लेन के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप प्लेन बैठा के भी राइड करते हो बाइक को, तो ना ही आपको वहाँ पर भी कोई पावर में कमी फील होगी और ना ही परेशानी वाली कोई बात आएगी। प्लेन के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है सीट, यहाँ पे आपको बैक रेस्ट भी देखने को मिल जाता है, बैठने में मज़ा आता है, ऐसे बैठते हैं ना पीछे सारा लेके, मतलब मेरी सारी बाइकों में ये एक बाइक ऐसी
के अंदर पीछे ही होता है, तो इसका एक अलग ही आनंद है सीरियसली। मेनली तो मुझे बाइक के अंदर तीन ही कमी देखने को मिली है, एक थोड़ी सी हार्ड क्लच, उसके अलावा हल्के लैग गार्ड और उसके साथ ही जो लॉक करने का सिस्टम है हैंडल को वो। उसके अलावा मुझे हर चीज़ बढ़िया लगी, चाहे फिट एंड फिनिश हो, बिल्ड क्वालिटी हो, उसके अलावा माइलेज आपको निराश नहीं करेगी जिस तरह की बाइक की परफॉर्मेंस है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उसके अलावा चाहे सीटिंग पोजिशन हो, कंफर्टेबल बहुत है बाइक राइडर के लिए भी, पिलियन के लिए भी, और बिल्ड क्वालिटी, फिनिश, फिट एंड फिनिश, हर चीज़ में, ब्रेकिंग के अंदर, सस्पेंशन सेटअप के अंदर, हर चीज़ में बाइक बहुत ही बढ़िया है। आपको कहीं से भी कोई मेन दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपको मज़ा ही आएगा बाइक को चलाने के बाद। तो ये कुछ रिजल्ट है बाइक का 11 महीनों के बाद। आप में से कोई इस बाइक को परचेज करना चाहता हूँ तो आपको प्राइस बता देता हूँ। कल मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी अपलोड करी थी कि मैं इस बाइक को सेल कर रहा हूँ यजदी रोडस्टर को, प्राइस भी वहाँ पर मैंशन किया था 190,000 जो कि नेगोशिएबल था। बट मैंने काफ़ी ज़्यादा डीपली सोचा रात को आराम से, और ओलेक्स के ऊपर भी मैंने काफ़ी प्राइस देखी, वहाँ पर 175 के आसपास में बाइक निकल रही है, खरीदने वाले हैं। बट फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना किसी ऐसे बंदे को बाइक दी जाए जो कि मेरा सब्सक्राइबर हो, मैं चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दूं जिससे कि कोई एक अच्छा बंदा आके मुझे कॉन्टैक्ट करे और बाइक लेकर जाए, उसके लिए प्राइस जो मैं थोड़ी कम कर सकता हूँ। मैंने 175-178 तक बाइक निकल रही थी, इंस्टाग्राम पे भी ऐड डाली, उसके अलावा ओलेक्स पे भी, बट फिर मैंने यूट्यूब का सोचा तो यहाँ पे मैंने सोचा है कि 168,000 इतने प्राइस में मैं आपको बाइक दे सकता हूँ, मेरा कोई सब्सक्राइबर आके मुझसे बाइक लेके जाता है तो सब्सक्राइबर जो मेरा है उसके लिए बकायदा। तो फिर जैसे मैंने आपको बता दिया वो है, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि देखो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली जो है, राइडर्स फैमिली, अपना जो चैनल है उसके ऊपर जो लोग जुड़े हैं उनके ऊपर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट आए कि भैया हाँ बाइक बहुत ही कम रेट में और अच्छी बाइक हमें दे रहा है ये भाई, तो इस वजह से एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे मिले चैनल के ऊपर। तो इस वजह से देखो हर एक इंसान अपनी चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके चलना चाहता है कि अपने चैनल के ऊपर, या फिर ऐसा होता है ना कि भाई बाहर की चीज़ें आपको इतनी अच्छी नहीं लगती लेकिन अपने घर की चीज़ें अच्छी लगती है, तो घर में किसी बंदे को जानकारी में कोई बाइक या फिर कुछ सेल करना हो 10-5,000 कम में भी आप सेल कर सकते हो। वही सीन है कि मैं अपने चैनल के ऊपर बाइक को 10-5,000 कम में भी सेल कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि कोई बंदा अच्छा, आपके कोई अच्छा कस्टमर आए, समझ रहे हो ना। तो बाइक राजस्थान रजिस्टर्ड है, जयपुर RJ14 नंबर है इस बाइक के, और 9800 RJ14KQ9800 ये बाइक के नंबर है। 11 महीने पुरानी बाइक है, ब्रांड न्यू कंडीशन है, कोई भी स्क्रैच बाइक के ऊपर नहीं है। हाँ मैं आपको ऑनेस्टली जो कमियां है वो मैंने आपको बता दिया, जो अच्छा है मैंने आपको बता दिया। एक छोटी सी स्क्रैच है बाइक के ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है स्क्रैच, उसके बाद में फिर आपको एक चीज़ और बताऊंगा बाइक के बारे में। तो ये लेग गार्ड पर आप एक छोटी सी स्क्रैच देख पा रहे होंगे, ये दरअसल मेरे एक दोस्त ने स्क्रैच डाली थी, इसके अलावा बाइक के ऊपर कहीं भी स्क्रैच नहीं। अगर आप लेग गार्ड को हटा देते हो तो स्क्रैच लेस बाइक है ये पूरी, है ना। वो स्क्रैच इसने इसलिए डाल दी थी क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस था, बाइक चलाता उस टाइम, और मैंने मना किया था कि भाई इस जगह से नहीं निकलेगी, बहुत ही सक्रिय जगह थी, वहाँ पे उसने बाइक को निकालने की कोशिश करी और स्क्रैच पड़ गया। और यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी अपाची को भी सेल कर रहा हूँ, अभी मैंने इसको कवर हटा दिया है, कवर से कवर कर रखा था बाइक को, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा धूल चढ़ी हुई है, लेकिन 4 महीने पुरानी बाइक है। और बेच क्यों रहा हूँ इसका रीज़न आपको समझ में आ ही गया होगा, क्यों बेच रहा हूँ, क्या रीज़न है भाई, हाँ बुरा बहुत लग रहा है। देखो मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को अपलोड करूँ या फिर नहीं करूँ जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि मैं थोड़ी बहुत देर में या फिर कल तक इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें छुपाने से अच्छी नहीं हो पाती, कुछ चीज़ें सबको बताने से ही अच्छी हो पाती है। या फिर हो सकता है कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि अपने आप बैलेंस हो जाए चीज़ें और मैं खुद से कंट्रोल कर लूँ चीज़ों को, फाइनेंशियली भी हैंडल कर लूँगा, लेकिन बहुत टाइम हो गया चीज़ें करते करते, फिर मैंने सोचा कि भाई नहीं, कंट्रोल ऐसे नहीं हो पाएगा, कुछ चीज़ों का एक्सपेंस जो खर्चा है उसको कम ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही कंट्रोल हो पाएगा। आपसे कुछ छुपा नहीं है और सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप समझ सकते हो। तो अपाची 4 महीने पुरानी है और लगभग 3600 या 3600 के आसपास कुछ चल गई है, अभी मुझे एक्जैक्ट याद नहीं है, चाबी अंदर रखी है तो इसको ऑन करने की जरूरत नहीं है, 4000 से नीचे नीचे चली, इतना मैं कंफर्म हूँ। और बाइक में इसमें कोई कमी नहीं है, इसके ऊपर भी अगर आप चाहते हो तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा बाइक में क्या अच्छा लगा मुझे, क्या अच्छा नहीं लगा, कुछ भी आपसे छुपाने की जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि 155,000 रुपये बाइक की ऑन रोड कीमत है जिसमें कि मैंने इस बाइक को परचेज कर दिया करा है 155,000 में। ओलेक्स के ऊपर वही सेम चीज़ मैंने करके देखी थी इस बाइक के साथ भी, वहाँ पर इस बाइक के लगभग 115,000 से 117,000-118,000 तक मुझे मिल रहे थे। तो लास्ट देखो मैं फाइनल कर सकता हूँ इस बाइक को 110,000 में आप सभी को दे सकता हूँ, अगर कोई आके बंदा लेके जाए। ये बाइक भी राजस्थान रजिस्टर्ड ही है, RJ40 है बाइक, तो राजस्थान रजिस्टर्ड है, कोई राजस्थान का बंदा लेके जाएगा तो उसके लिए ज़्यादा सही रहेगा। 1500 रुपये में आपकी RC ट्रांसफर हो जाती है, लगभग 1500-2000 रुपये एक ब्रोकर लेता है, अगर आप खुद से करते हो तो 500 रुपये लगते हैं RC ट्रांसफर करने के, बस उसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं है, इतने रुपये में आपको बाइक मिल जाएगी। आप भाई जो बंदा लेना चाहता है ना वो मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। बाकी अगर कोई बाइक के बारे में कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके बता सकता है, भाई मैं वहाँ पर जवाब आप सभी को दे दूँगा। तो यार इस वीडियो में ये सब कुछ था, मैंने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की अपने बारे में, बाइक के बारे में, और क्यों सेल कर रहा हूँ, हर एक चीज़ के बारे में। अगर आपको ठीक लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं लगा है ठीक तो भाई कमेंट करके बता देना क्या ठीक नहीं लगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखना, मस्त रहो, खुश रहो यार।